तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों को शिनचैन के दादाजी और नानाजी का नाम पता है और शिनचैन की दादी और नानी का भी नाम पता है? नहीं पता तो इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो डोरेमोन के एक एपिसोड में नोबिता ने फोन बूट गैजेट से अपने डैड की शिफ्टिंग यूएसए में करा दी थी और फिर जो फोन बूट गैजेट खराब ही हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में डोरेमोन ने उसे ठीक कर दिया। लेकिन अगर डोरेमोन उसे ठीक नहीं कर पाता तो नोबिता की शादी शिजुका से तो नहीं होती, लेकिन किससे होती? शिजुका की तो शादी देगीसुकी के साथ हो जाती, लेकिन नोबिता के किसके साथ होती? अच्छा ही हुआ कि डोरेमोन ने फोन बूथ को ठीक कर दिया, वरना तो नोबिता को इंग्लिश भी नहीं आता। और क्या आप लोगों को शिनचैन के दादाजी का नाम पता है? तो उनका नाम है गिनोसुके नोहारा। और उसके बाद शिनचैन के नाना जी? तो उनका नाम है योशिजी कायामा। और उसके बाद शिनचैन की नानी? तो उनका नाम है हिसेई कायामा। उसके बाद शिनचैन की दादी और उनका नाम है सुरु नोहारा। और जो हमारा डोरेमोन है ना, वो बहुत ज्यादा भारी है, मतलब एक एवरेज शिनचैन से दो गुना ज्यादा भारी है हमारा डोरेमोन। तो डोरेमोन का वेट है 129.3 केजी। कितना भारी है यार डोरेमोन। और अब मैं बात करने वाला हूँ इंडियन एनिमेशन के बारे में। तो जो इंडियन एनिमेशन अभी के टाइम में बनाया जाता है वो एकदम टट्टी लेवल के होते हैं, पर जो पुराने इंडियन एनिमेशन शोज थे ना, उनके एनिमेशन बहुत अच्छे होते थे। जैसे कि अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी और इस मूवी में महाभारत की स्टोरी दिखाई गई थी, लेकिन इसमें मेन कैरेक्टर अर्जुन था। और इस मूवी में जो एनिमेशन किया गया था ना, वो बहुत अमेजिंग था। और रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, ये मूवी रिलीज हुआ था 1992 में और इस मूवी को इंडिया के साथ साथ जापान के एनिमेटर्स ने भी मिलकर बनाया था। और जापान के एनिमेशन को तो आप जानते ही होंगे। और इस मूवी का तो एनिमेशन भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है। और उसके बाद ग्रीन गोल्ड का कृष्णा फिल्म सीरीज, ग्रीन गोल्ड अभी के टाइम में छोटा भीम और माइटी राजू ऐसे एनिमेशन सीरीज बनाती है, लेकिन जो कृष्णा फिल्म सीरीज बनाई थी उसका तो मैं क्या ही बोलूं, एनिमेशन एकदम झकास है। और इंडिया का फर्स्ट एनिमेटेड शो कौन सा है? तो दरअसल वो कोई शो नहीं, वो एक फिल्म है जिसका नाम है द पी ब्रदर्स, जो कि 23 जून 1934 में रिलीज हुआ था, जिसे गनामोय बनर्जी ने डायरेक्ट किया था और उसे कलकत्ता में रिलीज किया गया था। और क्या आप लोगों को पता है कि डिज्नी चैनल पे रिलीज होने वाला सबसे पहला शो कौन सा था? तो उस शो का नाम है गुड मॉर्निंग मिकी, जो कि 1983 से 1992 तक चली। और हंगामा टीवी में सबसे पहले दिखाया जाने वाला शो है डोरेमोन। वैसे आप लोगों ने टीवी पे सबसे पहले कौन सा शो देखा था, कमेंट करना। मैंने तो टीवी पे सबसे पहले डोरेमोन देखा था। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।